तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ अपने घर से, और अभी हो रहा है टाइम 10 बज चुके हैं। अभी तो फ़िलहाल बारिश हो रही है, हम कहीं गए भी नहीं, बैठे हुए थे सब भाभी लोग, ताई जी लोग। अब हम जाने का प्लान बना रहे हैं घास जंगल। ताई जी लोग तो शायद खेत में जाएंगे, लेकिन हम, मैं, मम्मी, भाभी लोग जा रहे हैं जंगल। और बारिश आ ही रही है। वैसे मौसम अच्छा हो रखा है, क्योंकि गर्मी हो रही थी परसों तक, कल भी गर्मी थी बहुत, धूप तेज़ी आ रही थी, और आज बारिश हो गई तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, जिससे कि अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बारिश हुई है तो अच्छा, मतलब सर्दी हो गई, मतलब ठंड होगी थोड़ी बहुत। और वैसे तो हमें जाना पड़ेगा घास लेने, और बारिश में घास लाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वैसे भी वो घास भारी भी होने लग जाता है, और क्या बोलते हैं, निकालने में भी आफत आती है उसको। और ये देख सकते हो आप मौसम, चारों तरफ धुंधी धुंध छा चुकी है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो गाय से देखो, ये सब जा रहे हैं घास। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप दाल, ये देखो दांत, दाल पे फूल आने लग गए। और हम जाएंगे वहां सामने, तो गाइस सामने का व्यू देख सकते हो आप, धुंध छाई हुई है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ रास्ता नहीं है जाने का, हाँ। यहाँ देखो कितना बड़ा बिट है, ब्याल बोलते हैं जिसको, ये देखिए अमरूद। ये पर तिलन में आता है, देखा ठीक हो आनंद। ये है भाभी, भाभी, मम्मी, भाभी, ये अमरूद का मजा लेते हुए। मोटा हाथी भाई, बस यूप दिखा दो। किचू बन करना बननी। तो गाइस आप ये देख सकते हो, ये कपास है, ये देखो कपास के पत्ते, ये वाइट वाइट जो दिख रही कपास है। और यहाँ बहुत सारा है, यहाँ पे भी है, यहाँ देख सकते हो इसके पीछे भी बहुत सारा है। यहाँ जिसको चाहिए हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको कपास दूंगी निकाल के। ये देखो कितना सारा है, और भी होगा यहाँ आसपास बहुत है। ये देख सकते हो कितना घास हो रखा है यहाँ, ये देखो मेरा घास, मम्मी निकालनी, ये कपास। तो गाइस आप ये देख सकते हो, ये मेरा घास है, मैं यहाँ पे रख दिया मैंने, और अभी मैं दोबारा जा रही हूँ मम्मी के पास लेने, क्योंकि मम्मी के पास दोबारा लेने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मम्मी के पाँव में दर्द होता है। तो यहाँ से, यहाँ थोड़ा चढ़ाई है, और वहाँ सामने से चढ़ाई शुरू हो गई है और फिसलन भी है, तो मम्मी के पाँव में दर्द होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रख दिया मैंने अपना घास, और अभी मम्मी के पास लेने जाऊँगी। मम्मी का घास भी लेके आना है अभी, फिर यहाँ से तो मम्मी लेके ही चले जाएगी, क्योंकि यहाँ सीधा है, चढ़ाई नहीं है। चलो फिर चलते हैं, बारिश भी आ चुकी है, और घास देख सकते हो अब इतना बड़ा बड़ा है, रास्ता भी नहीं दिख रहा,
जाना पड़ेगा ऐसे। ये देखो गाइस, ये देखो रास्ता भी ऐसे बनाना पड़ रहा है। तो गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पे कटा हुआ घास है क्योंकि कल तो धूप थी, तो ताईजी लोगों ने शायद घास काट दिया। और देखो आज बारिश आ गई, मौसम का कोई पता ही नहीं चलता कब धूप आ रही कब बारिश। मैं दोबारा पहुँच चुकी हूँ, मेरा घास तो गाइस मैंने मम्मी का घास भी यहाँ पे रख दिया है, मैं लेके आ चुकी हूँ वहाँ से। फिर मैं दोबारा जा रही हूँ अपना घास लेने, और मम्मी फिर भाभी का घास लेके आएगी। मैंने आज तीन राउंड, तो मैं जा रही हूँ तीसरी बार, हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। बारिश में ऐसे ही होता है, हम घास निकालते हैं निकालते निकालते हैं और वो भारी भारी होने लग जाता है क्योंकि वो गीला होता है, वैसे ही वो हरा घास है वो भारी हो जाता है, इसलिए दोबारा जाना पड़ रहा है। एक बार का रख चुकी हूँ, फिर दूसरी बार भी रख दिया था, और मैं फिर तीसरी बार जा रही हूँ। गैस तो आज पानी भी बड़ी मुश्किल से आया हमारे गांव में, मतलब घर में, वैसे तो आ क्यों नहीं रहा पर घर में नहीं आ रहा था। और मैंने भी पाइप लगाया घर आके, सीधे मैंने पाइप ही लगाया। ये देखो ये अनुज के कुत्ते के काम, इसने पाइप ही काट दिया। तो गैस खेत से मतलब जंगल से आ चुके हैं, खाना भी बना दिया मैंने, दो बज चुके हैं। देखो क्रीम रोल खा रही हूँ, तो ये देखो अनुज ये क्रीम रोल का पैकेट ही उठा के लेके आ गया।